हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और मेरे चैनल जेटेट की तैयारी में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स आपके लिए मैं 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है और 1 to 5 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बनने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तथा इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन देख लीजिए, ए में है एर्नेस्ट हैकल, बी में है बैरोज, सी में ओडम, डी में है पैट्रिक गेडिज। तो ये चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एर्नेस्ट हैकल। इस पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर द्वारा किया गया, किंतु वे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किंतु उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अर्नेस्ट हैकल को है जिन्होंने 1869 ईस्वी में दिया था। तो इसका सही आंसर अर्नेस्ट हैकल यानी ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ए में भौतिक तत्वों का, बी में जैविक तत्वों का, सी में ए एवं बी दोनों, डी में केवल जैविक तत्वों का। सही आंसर इसका होगा भौतिक तत्व एवं जैविक तत्व दोनों, यानी कि आंसर सी सही है। चलिए अगले सवाल, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ए में 22 मई, बी में 22 मार्च, सी में 22 अप्रैल, डी में 10 जून। सही आंसर इसका फ्रेंड्स ए होगा 22 मई। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण में जैव विविधता का अर्थ किसी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं से है। आज इन्हें सबसे अधिक खतरा प्राकृतिक आवासों एवं वनस्पतियों के विनाश से है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है जो केरल राज्य में है। अगले सवाल के चलते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति निम्न में से किससे पहुंचती है? ऑप्शन है CFC, CO2, SO2, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा CFC। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंच रही है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो गया, ओजोन परत पतली हो रही है, वैसा वैसी बात जो है आपने सुना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ए में वातावरण एवं जीव के संबंधों का, बी में पृथ्वी का, सी में जैव मंडल का, डी में वातावरण एवं जीवों में। तो सही आंसर इसका होगा ए आंसर सही होगा, वातावरण एवं जीव के संबंधों का। चलिए छठे नंबर, मध्य प्रदेश को टाइगर राज कहा जाता है, वर्तमान भारत में 2226 बाघ हैं, किंतु सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में ना होकर खाली जगह में है। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। सही आंसर कर्नाटक यानी कि आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नॉर्वे, कांगो। सही आंसर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ए। आठवां सवाल, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर डी होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे सवाल, पर्यावरणीय पुस्तक रेड डाटा बुक में किसकी सूची शामिल है? ए में है विलुप्त प्राय जीवों की सूची, बी में नक्सलवादी सूची, सी में समृद्ध जीवों की सूची और डी में जंगली जीवों की सूची। सही आंसर ए होगा, विलुप्त प्राय जीवों की सूची।
इस पर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण दिया जाता है तथा ग्रीन डाटा बुक में समृद्ध जैव विविधता का उल्लेख होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विश्व में कौन सा देश प्रथम है? चीन, अमेरिका, कनाडा, भारत। सही आंसर इसका होगा चीन, यानी कि ए होगा। आगे, ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय है? ए में फोरमैन, बी में ब्रिडमैन, सी में हैकल, डी में जॉनसन। सही आंसर फ्रेंड्स होगा इसका ए होगा, फोरमैन। अगला सवाल, भारत निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? जल प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन। सही आंसर औद्योगिक प्रबंधन। चलिए आगे, भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है? ए में ओजोन, बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रस ऑक्साइड और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ही भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। इस पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इसका मूल कारण जीवाश्मी ईंधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें सर्वाधिक योगदान क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों का है। इनका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चलिए आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? बेंगलुरु, इंदौर, नागपुर और लखनऊ। सही आंसर होगा नागपुर। अगला सवाल, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश? अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। सही आंसर चीन। 16 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है? सुंदरलाल बाहुन गुना के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरू हुआ 1973, 1975, 1981, 1987। सही आंसर 1973 यानी कि ए होगा। अगला सवाल, कीड़े बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय सर्वाहारी। सही आंसर ए होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। 18 नंबर, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र में समस्या, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे, ओजोन। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत का महत्व है? ए में प्रावैगनी किरणों के अवशेषण से, बी में उल्का पिंडों से रक्षा से, सी में CFC को सोखने में और डी में इसमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए होगा, प्रावैगनी किरणें के अवशोषण से। चलिए अगला सवाल, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन। सही आंसर होगा न्यूजीलैंड, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर? बी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, सी में वायुमंडलीय प्रदूषण हेतु, डी में वस्तुओं की शुद्धता हेतु। सही आंसर ए होगा, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर। अगला सवाल, मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों के लिए, शैवालों हेतु, दरियाई घोड़े हेतु। सही आंसर होगा प्रवाल भित्तियों के लिए। चलिए आगे सवाल, संपूर्ण जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, भूतापन एवं वन विनाश, हड्डी में उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किस संशोधन द्वारा किए गए हैं?
चौबीसवें संशोधन, चौवालीसवें संशोधन, बावनवें संशोधन और बयालीसवें संशोधन। तो सही आंसर इसका होगा बयालीसवें संशोधन। अगला सवाल, सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस पर रहा? धारणीय विकास, कार्बनिक पदार्थों पर रोक, जैविक खेती एवं वन संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में पीताम्बर पंत की सिफारिश पर 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों के मौलिक कर्तव्य के पाठ में पर्यावरण संबंधी तथ्यों को शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल, कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? BS3 मानक, BS4 मानक, BS5 मानक, BS6 मानक। सही आंसर होगा BS3 मानक। अगला सवाल, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम है? अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन, देश यात्रा। सही आंसर अतुल्य भारत यानी कि ए होगा। भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है? मलाबार तट, दंडकारण्य, सुंदरबन, पश्चिमी घाट। सही आंसर सुंदरबन यानी सी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर गुजरात, राणा सागर बांध राजस्थान, टिहरी बांध उत्तराखंड, ओंकारेश्वर परियोजना राजस्थान। तो इसमें से जो गलत है, गलत जोड़ा है वो डी है, ओंकारेश्वर परियोजना राजस्थान में नहीं है। चलिए 30 नंबर और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? बरगद, पीपल, नीम, यूकेलिप्टस। 30 नंबर सवाल है कि कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? चार ऑप्शन है, बरगद, पीपल, नीम और यूकेलिप्टस। तो सही आंसर होगा यूकेलिप्टस, ये पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है क्योंकि यह पानी का अवशोषण अधिक से अधिक करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण अध्ययन से यह 30 मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक करके अध्ययन कीजिए और आराम से देखिए, समझिए, इसको याद कीजिए, आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर आप JTET के लिए तैयारी कर रहे हो तो, या फिर CTET के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी है, या फिर किसी अदर स्टेट की टेट की तैयारी करते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है और भी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।